वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ रोहित। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, वो चल रहा था हमारा चैप्टर अपनी वस्तु। उसमें हमने आधा चैप्टर कर लिया था, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। अब तक का जो चैप्टर हुआ है पार्ट, उसमें हमने क्या क्या देख लिया कि एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, हम पुराना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, वो क्या देखते हैं कि दो भाई किसी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। तो महात्मा जी जाकर के उनके पास उनसे पूछते हैं। महात्मा जी के मन में ये विचार आता है कि इन दोनों के झगड़े को समाप्त करना आवश्यक है, अन्यथा ये लड़ करके अपने प्राण आपस में ले लेंगे। तो महात्मा जी ने जाकर के उनसे पूछा कि आप किस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। तो दोनों भाइयों ने कहा कि ये जो ज़मीन है, दोनों भाइयों ने उस ज़मीन पर अपना अपना हक जताया। एक भाई ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरे ने कहा ये ज़मीन मेरी है। तो महात्मा जी ने मन में विचार किया कि इस तरह से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो ये मानने को तैयार होगा कि ये ज़मीन इसको दे दें, और ना ही दूसरा भाई मानने को तैयार होगा कि पहले भाई को ज़मीन दे दी जाए, क्योंकि ज़मीन का लालच है दोनों को। तो दोनों इस तरह से झगड़ा करते रहेंगे। तो महात्मा जी ने इस संबंध में एक युक्ति सोची। तो उन्होंने किस तरह से इस समस्या का समाधान किया, तो आज का जो पाठ होगा हम उसमें ये सीखेंगे। आपके पास जो भी मैटर है, जैसे रीडर अगर अवेलेबल है तो उसमें से देख करके, या पीडीएफ जो हम भेजेंगे उसमें से देख करके आप ध्यान देंगे पाठ में। महात्मा जी ने उत्तर दिया, जो पुराना खत्म हुआ था उससे आगे चल रहे हैं हम पिछली क्लास से। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। महात्मा जी क्या कह रहे हैं, महात्मा जी ने उन दोनों को क्या राय दी थी कि आप दोनों इस ज़मीन का फैसला इसी ज़मीन से करवा लो। आप इस ज़मीन से पूछो कि ये ज़मीन किसकी है, जिसके बारे में ये ज़मीन कहती है कि मैं उसकी हूँ, तो वो उस ज़मीन को ले लेगा। तो दोनों भाई महात्मा जी की तरफ देखने लगे अचरज से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इसी तरह से वो दोनों भाई भी जानते थे कि ज़मीन तो बात ही नहीं करती महाराज, तो फिर वो कैसे बताएगी। तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि ज़मीन बोलती तो है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं। महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि ज़मीन बात करती है, लेकिन उसकी आवाज़ आप लोग नहीं सुन पाओगे। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। महात्मा जी ने पहले क्या पूछा कि जैसे मान लीजिए मैंने भूमि से पूछा और भूमि ने कोई निर्णय दिया, तो क्या आप उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं? अपना जो टॉपिक चल रहा है पिछली क्लास में था कंटिन्यू, अपनी वस्तु। महात्मा जी ने दोनों भाइयों से क्या पूछा कि क्या आप इस ज़मीन के फैसले को, जो इस ज़मीन मेरे को बताएगी और मैं आपको बताऊंगा, क्या उस फैसले को आप मानने के लिए तैयार हैं? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाइयों को भी अपना झगड़ा ख़त्म करना था, उनको भी नहीं लग रहा था कि इससे कोई समाधान होगा झगड़ा करने से। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो महात्मा जी बोलेंगे या जो ज़मीन महात्मा जी को बताएगी, हम उस फैसले को मान लेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, महात्मा जी क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। जब वो दोनों भाई तैयार हो गए कि आप जो भी फैसला बताएंगे या ज़मीन जो आपको बताएगी, हम उस फैसले को मान लेंगे। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। भाई मुझे भूख लग रही है, मैं इस ज़मीन से बाद में पूछूंगा कि ये ज़मीन किसकी है, पहले मेरे को ला करके घर से भोजन कराओ। दोनों भाई क्या बोलते हैं, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। डट कर खाना खिलाने का मतलब है बहुत सारा खाना, भरपेट करके खाना खिलाएंगे। उन दोनों को क्या जल्दी थी कि हमारा झगड़ा समाप्त हो जाए, एक बार हम जिस चीज़ को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं हमें पता चल जाए कि ये ज़मीन किसकी है, तो हम आपको बहुत सारा खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा। महात्मा जी ने क्या कहा कि मैं भूमि का निर्णय तो कर ही दूंगा, मैं भूमि से पूछ करके आपको बता ही दूंगा, ये कहीं भागे थोड़ी जा रही है। महात्मा जी क्या कहते हैं कि जैसे मैं खाना खाऊंगा तो ऐसा थोड़ी है कि उस दौरान ये ज़मीन अपनी जगह से भाग जाएगी। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ
ठिकाने आए। महात्मा जी ने क्या कहा कि एक बार मैं खाना खा लूँ, ताकि जब तक आप खुद जानते हैं, जब आप भूखे होते हैं तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ना आपका पढ़ाई में मन लगता है, ना आपका खेलने में मन लगता है। इसी तरह से महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि एक बार मेरे जो भूख है, जो पेट में भूख लग रही है ज़ोरों से, वो एक बार शांत हो जाए तो फिर मेरा मन शांत हो जाएगा और मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। महात्मा जी ने क्या कहा, तुम जा करके एक बार घर से भोजन बना करके ले आओ, तब तक हम आपका यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ऐसा कहकर के महात्मा जी ने क्या किया, वहाँ एक जो पेड़ था जमीन पर, उसकी छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा करके ले आए। अब मजबूरी हो गई, महात्मा जी ने तो ये कह दिया कि मैं बिना खाना खाए फैसला नहीं करूँगा, तो दोनों भाइयों को फैसला करवाना है, इसलिए वहाँ से जल्दी जल्दी अपने अपने घर गए और वहाँ जा कर के, घर पर जा कर के भोजन बनवाया। भोजन बनवा करके महात्मा जी के पास आ गए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। भोजन लेकर के जब आ गए तो महात्मा जी ने कहा कि उधर बैठ जाइए। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर के स्वयं भी भोजन करने लगे। उसके बाद क्या किया, महात्मा जी ने उनको बिठा करके जो भी भोजन वो लेकर के आए थे, उस भोजन को बराबर तीन भागों में बांट लिया, उन दोनों को भी बैठने का आदेश दिया और स्वयं भी उसमें से एक भाग भोजन का खुद ले लिया और दो भाग दोनों भाइयों को दे करके भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। जब झगड़ा कर रहे थे, जब से महात्मा जी आए थे तब से लेकर के भोजन खाने में उनको कितना समय लग गया, लगभग 2 घंटे का समय लग गया। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी ने यह सारा कार्य किस लिए किया था, कि दोनों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। उन्हें, महात्मा जी को क्या लगता था कि एक बार इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इनको समझाना आसान होगा। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त का मतलब होता है किसी काम से निवृत्त होना, क्या होता है, अगर कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं काम से निवृत्त, यानी कि उस कार्य को हमने समाप्त कर लिया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। उन दोनों ने क्या किया, महात्मा जी के चरणों में चरण स्पर्श कर करके निवेदन किया कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। उन दोनों को भी इतनी देर में गुस्सा शांत होने के बाद समझ में आ गया कि महाराज, यह भूमि कोई बात नहीं करेगी, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों भाइयों ने क्या कहा कि महाराज, यह भूमि तो बात करने से रही, तो आपसे निवेदन है कि आप ही हम दोनों का फैसला कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि को पूछ करके इसका निर्णय करते हैं। यह कह करके उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। महात्मा जी ने क्या किया, दोनों भाइयों को क्या कहा कि हम इस ज़मीन से पूछ करके आपका फैसला करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने उन दोनों को दिखाते हुए जमीन के इस तरह से कान लगा करके लेट गए, जैसे कि वो भूमि से बात कर रहे हो, उससे कुछ पूछ करके उसको सुनने का प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। कुछ देर इसी तरह से महात्मा जी कान लगा करके सोते रहे और सोते से उठ करके, सोने का मतलब निद्रा में नहीं, इस तरह से लेटे रहे। लेटने के बाद जैसे ही खड़े हुए तो गंभीर हो गए, इस तरह से ऐसे चुपचाप से बैठ गए और दोनों भाइयों की तरफ देखने लग गए। तो दोनों भाइयों को भी उत्सुकता हुई कि भूमि ने क्या कहा। उन्होंने सीधे बैठ करके, महात्मा जी ने गंभीर वाणी से क्या कहा कि यह भूमि तो कुछ और ही बात कह रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, महात्मा जी ने क्या कहा कि आप दोनों भाई तो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि जब मैंने भूमि से बात की तो भूमि तो कुछ और ही बात बता रही है। इस तरह से इस चैप्टर में हमने
इसका सेकंड पार्ट कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट बच रहा है, हम इस चैप्टर को 3 क्लासों में करने वाले थे, अब तक 2 क्लासेस इस चैप्टर से संबंधित हो चुकी हैं। जो तीसरी क्लास होगी ऑनलाइन, उसके अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट भी करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। तब तक का जो आपका होमवर्क रहेगा इस पार्ट से रिलेटेड, तब तक आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस पार्ट को पढ़ करके, अब तक के पार्ट को पढ़ करके जो भी कठिन शब्दार्थ आपको इसमें लगते हैं, कोई सा भी ऐसा शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं आता है, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके इस बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।